मोनिका यू हैव नॉट मेड वेट कि हम लोग अभी फेस ऑफ नहीं करेंगे समय से और वेट कट नहीं होगा अगर ये फाइट होएगा नहीं होएगा दिस डिसीजन विल बी विद रितिका फाइट नहीं में प्रॉब्लम है सो आई डोंट थिंक मैं रिस्क लेना चाहूंगी ना फाइट के रितिका अगले राउंड में नहीं जा सकते आज सेकंड फाइट नाइट है विनर मोनिका थैंक यू आइजैक मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपनी फाइट को लेके मुझे उतना स्ट्रेस या टेंशन नहीं है मैं इस फाइट के बारे में कम अगली फाइट के बारे में ज़्यादा सोच रही हूँ मॉर्निंग कंटेस्टेंट्स मॉर्निंग सर आपका वीकेंड कैसा रहा अच्छा नाइस बोरिंग नॉर्मल इंटरेस्टिंग ओके 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 संदीप कुछ तो भी हुआ लगता है कैसा कुछ तो भी हुआ लगता है रितिका और वो सिद्धेश गए थे जो उनका थोड़ा सा वो फील हो रहा था कि भाई इतने 7 दिन रहने के बाद फिर जा रहा है कोई जो दो लोग इस बार गए हैं सिद्धेश और रितिका तो उनके जाने का काफी ज्यादा दुख है हमें स्पेशली किसको नहीं आई यो खड़ा इसके इसको ज्यादा था अच्छा मेरा होया तेरा नहीं होया कई बार मैं ट्रेनिंग कर रहा होता था तो रितिका मेरी तरफ देखती थी उस दिन मॉर्निंग में वही फेस मिस था जिसको मैं ज़्यादा चाहता था मोनिका आइज़क सपोर्ट रियली गुड जॉब थैंक यू फॉर गुड फाइट डू यू हैव समथिंग टू टेल अस अबाउट योर फाइट आई हैड अ गेम प्लान बट देन आई डिडंट रियली स्टिक टू इट आई थिंक इट्स अ डिफरेंट थिंग व्हेन यू गो इनसाइड या आई जस्ट वेंट ऑन विद द फ्लो एंड इट वर्कड आउट फॉर मी वेरी गुड You are very strong and keep it like that. Thank you. Monica? बढ़िया गई सर फाइट मेरे को खुद नहीं था कि मैंने इतनी बढ़िया फाइट दे पाऊंगी क्योंकि जो मेरी हालत थी मुझे खुद लग रहा था कि मैं शायद लूज कर जाऊँ लेकिन बहुत बढ़िया फाइट गई मेरी फाइट जीत के और मैंने आज ये साबित कर दिया कि मैं कुछ हूँ और मेरी मेहनत का नतीजा है कि आज मैं इस घर में अभी तक हूँ ओके गाइस थैंक यू Okay, we saw these 4 fights. And what did you notice in these fights? Ground pe chali hain sari fights. Yeah, they finished on the ground. Jo bhi fight abhi hui hai, wo standing se hui hai, lekin finish sari ground pe hui hai. To isme ground work kitna zyada important hai, wohi batane ke liye sunne ka ki aaj cage mein hum aapko Brazilian Jiu-Jitsu ke jitne bhi techniques wo batayenge. Hamare paas do kafi experienced Brazilian Jiu-Jitsu instructors hai, Master Dian and Alan sir. सो वो हमारे साथ केज में आएंगे एंड वील सिट डाउन और थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे कि ब्राज़ीलियन जुजित्सु की टेक्निक्स क्या क्या है ओके रिस्पेक्ट ग्रैपलिंग में हम लोगों को समझ नहीं आ रहा उतना ज़्यादा जितना होना चाहिए तो उसके बारे में हमें क्लियर बताया गया कि कैसे करना है ये सबसे डोमिनेंट पोजिशन है ग्राउंड में इसको माउंट बोलते हैं जब आप माउंट पोजीशन पे हो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पहले आपके बैलेंस और सेकंड आप बॉडी वेट को कैसे रखते हो ग्राउंड मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि आज से पहले कभी मैट पे जाके भी नहीं देखा सिर्फ खड़े होके मुक्के मारे हैं आज तक तो इसीलिए मैं ट्रेनिंग में वो सब कुछ देख रहा था कि जो कि मेरी फाइट में काम आएगी It was definitely an eye opener for the guys who are banking on their stand up skills like Sandeep Rajendra and Neeraj especially ye ek sahi chok hai isko guillotine kehte hain lekin aap log jahan se pakadte hain aise side position se wo position barabar nahi dekho abhi ek side se half guard laga diya sir ke right leg ko Dhyan sir ne half guard pe lock kar liya aur haath se guillotine laga diya gardan pe मेरी इस हफ्ते फाइट है तो मेरे दिमाग में भी ये रहेगा कि मैं उसके लिए क्लियर रहूं कि मुझे क्या करना है कैसे स्किप करना है और कैसे कंट्रोल में लेना है कैसे गार्ड में रखूं उसे क्योंकि मैं स्ट्राइकिंग अच्छा है बट ग्राउंड उतना अच्छा नहीं है तो मुझे उसके लिए थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा Could you just show them the position that Monica held Ritika that position and how easy it is actually to avoid it Very good, very good. क्योंकि हो सकता है मोनिका अगले फाइट में कोशिश करेंगे वही लॉक लगाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको देखना मैं इसको मिस नहीं करना चाहती थी रितिका वहां से कोशिश कर दे एक्चुअली सिंपल सिंपल रास्ता कैसा है
केज डेमोंस्ट्रेशन के बाद हमारी बॉक्सिंग की स्पायरिंग थी। इजी। तो मेरी स्पायरिंग स्टार्ट हुई थी मंजीत के साथ, वो 3-3 मिनट के राउंड थे सिर्फ बॉक्सिंग और टेक डाउन के। Yes, now don't go up, roll. Yes, Manjeet. Let's go, Priyanka. जब मेरी और गुरलीन की स्पायरिंग हो रही थी वो थोड़ा अग्रेशन में थी, तो लेट्स गो गुरलीन, नाउ 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 लेट्स गो। ये फाइट एग्रेशन में शायद इसलिए गया कि उसे लगता हो कि मैं फाइनल्स तक जाऊंगी और वो भी जाने वाली है फाइनल्स तक। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। कोई भी ओवर कॉन्फिडेंट ज्यादा हो जाता तो उसको उसका गिनने में उसको टाइम नहीं लगता। वैसे ही प्रियंका है, अगर वो सोचे कि मैं फाइनल तक ऐसे ही पहुंच जाऊंगी बिना मेहनत करे तो ये नहीं हो सकता। उसको पहले से गुस्सा आ रहा था बहुत उसके ऊपर, प्रियंका के ऊपर। उसको चांस मिला और उसने बहुत मतलब उसको धो डाला। तो एग्रेशन में स्टार्ट हुई जिस तरह के, तो मेरा भी उतना ही ज्यादा एग्रेशन रहा, क्योंकि जब आप इतनी देर से स्पायरिंग कर रहे हो और कोई नया बंदा आ गया आपको ऐसे पीटे तो थोड़ा अग्रेशन में चला जाता, तो मैंने भी उसे जमकर हिट किया। तो आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न गुरलीन बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होकर खेलने लगी, एंड आई थिंक विच वॉज रियली रॉन्ग एट हर पार्ट। ओके गर्ल्स, दैट वॉज गुड फाइट, वेरी गुड, गो ड्रिंक वाटर। मेरी टर्न आई थी स्पायरिंग करने के लिए, तो मेरा फर्स्ट राउंड स्पायरिंग का बहुत अच्छा हुआ था, मैम ने प्रेज करी थी, बट वही मेरे गार्ड की प्रॉब्लम शुरू से है। मेरा जूडो बैकग्राउंड है तो मेरे हाथ हमेशा नीचे ही रहते हैं और मैं हमेशा बेंड होके खेलती हूँ, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है इस चीज़ को लेके। Priyanka can win because of Priya's boxing, but Priya is full of energy. In fight, energy can win a good technique. Everybody out there, shin guards, let's go, shin guards. These shin guards are actually used to prevent someone from getting hurt on the shins and ankles. और हमने सब तैयार हुए सिंग पैड वगैरह पहन के, और बॉयज़ का सेक्शन अलग था, बॉयज़ बॉयज़ के साथ करेंगे और गर्ल्स गर्ल्स के साथ। रियल ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो वो दिन हमारा कंडीशनिंग का था, तो उस दिन हमें सर ने बोला कि हम लोगों को किक्स करनी है, किक्स प्रैक्टिस करनी है, जो कि हमारे थाइज और हमारे एब्डोमेन के लिए कंडीशनिंग होगी। कम ऑन, टाइमिंग टाइमिंग, फुल 1 मिनट। जब प्रिया की किक्स मुझे लग रही थी तो मेरे को पता भी नहीं चल रहा था कि मेरे थाइज पे कोई किक्स आ रही है या नहीं आ रही है। व्हेन शी वाज सपोज्ड टू गेट द किक्स, शी पुट हर एल्बोज लाइक दिस। मेरी जो सबसे पहली किक उसे लगी वो एल्बोज़ के साथ ही उसे लगी, बट आई थिंक वो उसके सोलर प्लेक्सस पे लगी, एंड जब उसके सोलर प्लेक्सस पे लगी वो पहले ही किक में नीचे गिर गई। पार्टनर 1 2 3, फेस दैट साइड, फेस दैट साइड। 10 seconds आई एम गोइंग टू यूज, इनर आउटर बॉडी बॉडी, कंटिन्यूस 10 seconds, 10 seconds हियर, 10 seconds हियर, 10 seconds हियर, कीप मूविंग अराउंड। कम ऑन, नेक्स्ट पर्सन, लेट्स गो। ये राउंड वाइज था कि तीन खड़े हैं और तीन से रोटेट करते जा रहे हैं, मार रहे हैं हम तीनों को दो दो राउंड, और जो तीन खड़े हैं वो अगले टर्न में उन्हें मारेंगे, किक्स करेंगे उन्हें। कम ऑन, चेंज पोजीशन, जो खाया अभी मारेगा। मारने वाला यहाँ पे आओ मेरे पास, आप लोग उस तरफ देखो, उस तरफ देखो, आप उनका कंडीशनिंग करवा रहे हो तो सही मसल पे और मसल पे, एक दो राउंड के बाद वो गिरना ही चाहिए, ऐसा जाना चाहिए, वैसा चाहिए मुझे। ओके, रेडी पोजीशन, कम ऑन,
एंड्रो उसकी ग्रोइंग एज है, अभी यंग ब्लड है, ज़्यादा एग्रेशन होगा हर चीज़ को लेके, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा है उससे। All this time I was thinking of what he could do to me. I wasn't thinking of what I am capable of doing to him. I'm the one who's dangerous over here, not him. Finally, मुझे कॉल आया कि प्रिया गेट रेडी, तुम्हें मेडिकल के लिए लेके जाना। जैसे मैंने दरवाजा खोला, सामने भाई और मम्मा बैठे होते, तो मैं कूद के उनके ऊपर पड़ गई कि मम्मा मुझे इतना अच्छा लगा अपनी फैमिली से मिलके। जब मैं यहाँ आई थी तो मैं सिर्फ अपनी फैमिली के लिए यहाँ आई थी, मुझे अपने पापा का नाम रोशन करना है। मुझे बस यही फाइट जीतनी है, मेरे पापा की मेरे से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। उस दिन मॉर्निंग में उठे तो हर रोज की तरह ही थी वो सुबह। उस दिन भी मैंने इधर उधर देखा तो मेरे को रितिका दिखाई नहीं दी, उस टाइम उसको बहुत ज़्यादा मिस किया। सब अपना काम कर रहे थे एंड सडनली हम देखते हैं कि सुप्रीत अंदर आती है। हेलो, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग एवरीबॉडी। एंड हमें पता था ऑब्वियसली सुप्रीत आई है तो कुछ ना कुछ स्पेशल तो होने ही वाले। आज चैलेंज डे है, हर हफ्ते की तरह किसी को फिर से 50,000 जीतने का मौका मिलेगा। तो क्या वो लोग तैयार हैं? आप जानते हैं कि टास्क डे पे कैप्टन्स बनते हैं, पेयरिंग होती है, टीम्स बनती हैं और कुछ लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं जो विनिंग फाइटर्स रह चुके हैं। रजिंदर, गुरलीन, आइजैक एंड मोनिका। टीम्स बनने से पहले पेयरिंग जरूरी है, दो पेयर्स बनाने हैं, वन बॉय वन गर्ल। दो लोग प्यार करने वाले हमेशा साथ में रहना चाहते हैं, तो वैसे ही किशन और प्रियंका एक टीम में थे। सो इमीडिएटली प्रियंका केम ओवर विद किशन एंड प्रिया जस्ट बेंड्स ओवर, लुक्स एट मी एंड आई वॉक ओवर एंड स्टैंड बिसाइड हर। तो ये पहले से सोचा हुआ है, स्ट्रेटजीज आप बनाकर सोते हैं रात को। तो आई एम गेसिंग टीम्स भी आपके दिमाग में होंगी। ऑलमोस्ट। आर यू रेडी टू चूज योर टीम? आर यू गाइस रेडी टू चूज योर टीम? यस। द आंसर इज नो, यू गाइस आर नॉट चूजिंग योर टीम। व्हेन सुप्रीत सेज टीम इज नाउ गोना बी डिसाइडेड बाय यू गाइस, आई एम लाइक व्हाट? गेस हु इज? आइज़ैक एंड मोनिका। टीम दूसरा आदमी सेलेक्ट करे आपके लिए, वो क्या सेलेक्ट करता है वो थोड़ा सा अजीब सा लगा। पानी फिर गए सब अरमानों पे, क्योंकि जो सोचा था वो तो हुआ ही नहीं। You're going to tell me their teams जब हम directly challenge पे मिलेंगे। सारा पंगा मुझे क्यों दे रहे हैं? अगर कोई भी गलत चला गया तो वो कहेंगे ये जानबूझकर मुझे दे दिया। आपका चैलेंज क्या है ये आपको वहीं पता चलेगा। अभी के लिए गो पिकिंग। उनके जाने के बाद वहां से आइज़ैक भैया और मोनिका दी भी एक अलग रूम में जाकर टीम्स डिसाइड करी। ये भी है ना कि फ्रेंड्स के पहले भी हुआ था ना, अगर उन लोग चाहिए अब कैसे लग रहा कि उन लोग फ्रेंड्स के साथ खेलना चाहिए। मेरे को भी ऐसे लगा कि जैसे उनकी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम भी हम देखें तो ज़्यादा बेटर है। एंटो की भी नहीं मैं प्रॉब्लम है और नीरज की भी प्रॉब्लम है, सो दोनों के हिसाब से मेंटेन किया जाए। एक एक उनका पार्टनर सही है और एक एक थोड़ा इंजर्ड है। डिसाइड हो गया, कृष्णा जीत, नीरज। मैं प्रियंका की टीम में गया तो मेरे को थोड़ा सा तो मेरा ये था कि प्रियंका है उधर, लेकिन मेरे को किशन के लिए खेलना था क्योंकि किशन अच्छा है। टीम सामने आई तो उन्होंने बताया कि संदीप और मंजीत एंड्रू की टीम में है एंड नीरज और लिपिका कृष्ण भैया की टीम में।
since ye Andrew ka task tha and I really wanted to be in his team but uske baad sab log ready hone lage apne challenge ke liye. Once again hum logo ko fresh air milne wala tha aur hum log kafi excited the. जब हम लोग चैलेंज के लिए पहुंचा तो वो जो पूरा लोकेशन का सेटअप था एंड ऑल वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था तो हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या होगा क्या नहीं होगा. सामने टायर्स रखे थे, साइड में स्विमिंग पूल था, कुछ वाटरमेलन्स वहाँ रखे हुए थे तो हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या है. ऑलराइट फाइटर्स, आज SFL चैलेंजेस में आपके तीसरे चैलेंज की बारी है. एक्साइटेड है? यस मैम. यस मैम. लेकिन सबसे पहले जो लोग आज चैलेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो इधर आ जाएं. आइसेक मोनिका और रजिंदर गुड़ले. ओके, अब कैप्टन की बारी. एंड्रू प्रिया, कृष्ण प्रियंका. अगला काम था टीम चुनने का जो दिया गया था आइसेक और मोनिका को. आई होप आपने अपना काम किया. Yep, we did. You ready? Right. Divide the teams, please. Spread out, guys. We went according to our corners this time. So since I was in the blue corner and Priya too was in the blue corner, our team went with the color blue. Challenge आज का क्या है वो मैं आपको बताऊंगी. लेकिन इस challenge की सबसे खास बात ये है कि इस particular challenge को Raj ने खुद design किया है. It kind of made me feel special, like you know, all right. It's my day today and Mr. Kundra himself has designed a challenge for me. Raj sir ne agar kuch banaya hai to kafi difficulty banaya hoga kyunki wo pehle din se hame jhatke pe jhatke de rahe hain to mere khayal se ye bahut hi zyada bada jhatka hoga. Ye task aap karoge is chain ke sath ek ek couple bana jayega. I was really scared because mereko swimming karna nahi aata tha. थोड़ा सा टाइम रह गया. प्लीज 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 हम जीत जाएं. बट इतना टाइट चैलेंज अभी तक ये फर्स्ट चैलेंज ऐसा हुआ है. ना प्रिया का आया था साथ में नंबर और मैं उसे घसीटते हुए लेके गई. She just started crying. We have a surprise for you. They bought me a birthday cake, but I really couldn't eat it. क्योंकि ये चैलेंज राज ने डिजाइन किया है, इट्स ओनली फेयर कि राज आपको इस चैलेंज के बारे में बताएं, डिस्क्राइब करें कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है. ऑलराइट, ओवर टू यू राज. थैंक यू सुप्रीत. गुड आफ्टरनून चैलेंजर्स. गुड आफ्टरनून सर. आज का चैलेंज आप अपने दो पेयर्स बनाएंगे, वन बॉय वन गर्ल, वन बॉय वन गर्ल. यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे. पहले आप टायर फ्लिप करेंगे स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन तक. जैसे आपका टायर ब्लू और रेड लाइन को टच करता है, दो हैमर है वहाँ पे. आप वो दो हैमर पकड़ोगे और वहाँ पे 10 तरबूज है. आपको वो 10 तरबूज को तोड़ना है. एक तरबूज के अंदर एक चाबी है, टोटल 10 चाबी. आपको 10 कीज कलेक्ट करनी है वहाँ से. उसके बाद आपको भागना है पूल की तरफ. पूल पे एक दूसरा कपल आपकी टीम से रेडी रहेगा एट द स्टार्टिंग ऑफ द पूल. आपको उनको 10 चाबियाँ देनी है. उसके बाद वो कपल पानी में जाएगा और हाफ वे इन द स्विमिंग पूल एक ट्रेजर चेस्ट है. आपको वो ट्रेजर चेस्ट उठाना है, पूल के दूसरे एंड पे लेके जाना है, पानी के बाहर निकाल के ऊपर रखना है उसको. उसके बाद उस चेस्ट पे दो दो ताले लगे हुए हैं. जो 10 चाबी आपके हाथ में है, आप अपना ट्राई करो हर चाबी को. दोनों ताले खोलने के बाद जब आप चेस्ट खोलोगे तो उस चेस्ट के अंदर एक टूटा हुआ फ्लैग मिलेगा आपको, तीन पीस में. आपको वो तीन फ्लैग जोड़ना है और हवा में जैसे आप वेव करोगे उस फ्लैग को, वो टीम चैंपियन रहेगी. इजी लगा आपको चैलेंज? नहीं सर, थोड़ा सा और मुश्किल करते हैं. ये टास्क आप करोगे इस चेन के साथ एक एक कपल बांधा जाएगा और ये पूरा टास्क आपको इस चेन के साथ करना है. Swimming chain? I'm like, यार
गया। अगर एक लड़की है, क्योंकि लड़की है तो वो स्लो होगी हमसे, तो एक स्लो को एक फास्ट के साथ काम करना है तो काफी मुश्किल था। Alright, ready? Yeah. Okay. हमारी टीम के पास ये डिसएडवांटेज था कि ना प्रियंका को स्विमिंग आती थी ना मुझे स्विमिंग आती थी। सिंस आई वॉज मोर कम्फर्टेबल विद द वाटर एंड शी हैड दोज आर्म स्ट्रेंथ, सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि कृष्ण भैया और जीत टायर फ्लिपिंग के लिए और वाटरमेलन्स के लिए जाएंगे, मैं और नीरज स्विमिंग वाला टास्क पूरा करेंगे। इस बार सिर्फ मस्ती वाला टास्क था तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, जल्दी से जल्दी बस शुरू हो जाए अब। On your mark. Get set. Go, 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 go. Yeah, this way. Go. Come on, Krishan bhaiya. Come on. Chal, Andrew. Yeah, you're picking up. One flip ahead, one flip ahead. I told Priya, like, you know, Priya, whatever happens, you don't look at Krishan's tire, how far it's gone. We just keep pushing this tire. We flipped the tire, I think like a second difference, and the tire fell and we went for the hammer. तरबूज फोड़े तो तरबूज भी अंदर से लाल था और जो चाबी थे उनके चारों तरफ रेड कलर का रिबन बना था, तो बीच में मिक्सअप हो गया था, तो उस टाइम में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। अरे एक तू फोड़ दे सारे। तो बस ये लग रहा था कि जल्दी जल्दी चाबियां उठाएं और उनसे पहले निकले। कितनी चाबी तेरे पास? पता नहीं। जल्दी 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 गले में डालो, गले में डालो। किशन और प्रियंका हमारे पास चाबी लेके जल्दी आ गए थे दूसरी टीम से, तो उस टाइम मेरे को ये लग रहा था कि हाँ शायद अब हम उनसे जीत जाएंगे क्योंकि वो लोग काफी पीछे थे। एंड्रू जल्दी आ। I just started counting like you know, I'm like 9. Oh shit. Where's one? यार जल्दी सिद्धू उतर जा। पैर नीचे रख। प्रिया, जल्दी आ प्रिया। उधर उधर। पैर नीचे रख तुमने। पैर नीचे रख। पानी में घुसते ही लिपिका फट गई और मेरे साथ चिपक गई। वो बोल रही है नीरज मैं मर गई, मेरे को तैरना नहीं आता, मैं तेरे को पकड़ के चलती हूँ। महा बहन चो, जब तो तू बोल रही थी मेरे को तैरना आता है, यहाँ आते तेरी गांड फट गई। I was really scared because मेरे को स्विमिंग करना नहीं आता था। हम जीत जाएं। इतना टाइट चैलेंज अभी तक ये फर्स्ट चैलेंज ऐसा हुआ है। लेके जा लेके जा लेके जा। पावर पावर। We have a surprise for you. They bought me a birthday cake, but I really couldn't eat it. I can't find one, so I went to the first watermelon, like started systematically all over again. I just pushed my hand in and pull all the pulp out. Tala khola aram se khadi ho abe bat mat khadi re Shabash Neeraj Shabash Chabi mili chabi mili chabi to mil gayi to bandi bhi hai ye chabi Andrew jaldi aa दूसरी टीम संदूक की तरफ पहुंच चुके थे और हम तब तक अपनी टीम के पास पहुंचे भी नहीं थे और हम गए और उस टाइम में मेरी चीख निकल गई, कम ऑन संदीप जी अब तो आपके ऊपर ही। दोनों की दोनों जो कीज थी वो नीरज को ही नीचे जाके ढूंढ के लानी थी और उसे लॉक खोलना था बिकॉज ऑब्वियसली मेरे को स्विमिंग नहीं आती थी तो मैं वहाँ पे कुछ नहीं कर सकती थी। चल मजीद।
जैसे हम लोग स्विमिंग में उतरे तो हमारी दो चाबी वैसे गले से निकल चुकी थी। ये देख इधर ही है। हाँ अरे मिल तो गई, खुल नहीं रही। मिल तो गई, खुल नहीं रही। यारी यारी पानी तरफ। हाँ नहीं 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 घूम जा रहा। नीचे 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 ये देखो ये। It's the hard, that's the additional hard part we added. It would have finished on air. जिस तरफ ताला बंद करते हैं उस तरफ ट्राई करा था, लेकिन चाबी बिल्कुल सही थी। पता नहीं वो बैंड जो जाट बुद्धि है ना थोड़ी सी। फिर मैंने दीपिका का पैर ऊपर करवाया और उसके बाद फिर दिमाग में आया वो बैंड जो तो उल्टी तरफ घुमा रहा है। फिर मैंने सीधी तरफ उसको घुमाया और हमारा ताला खुल गया। I think this is it. Pop the keys open of the shackles down. You guys have got the chest and they are gonna win. उन्होंने अपने पैरों की जंजीर खोली और फटाफट संदूक उठाया और घसीटते घसीटते ले गए। मुझे लगा हल्का होगा थोड़ा, लेकिन जब उठाया तो ऐसा लग रहा था कोई एक 60-70 किलो का आदमी बैठा है अंदर। ऊपर जाके मैंने वो चेस्ट को लिफ्ट करना स्टार्ट किया एंड इट वाज नॉट वर्किंग। हीरो लिपिका को हर तरह से कोऑपरेट कर रहा था, पर लिपिका उतना कोऑपरेट नहीं कर रही थी। उसे बिल्कुल भी एनर्जी नहीं दिखा रही थी, बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगा रही थी। हार्ट बीट इतनी तेज हो गई और मैं एंड्रयू एक दूसरे को पकड़ के खड़े दिखा रही। यार थोड़ा सा टाइम रह गया, प्लीज 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 हम जीत जाएं। आखिरी में तो बस ये हो गया था कि करो या मरो, क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे थे। Sandeep and Manjeet, they got the chest first out of the water. Hey, and I was like so happy that we are the first guys to get the chest out. दोनों टीम साथ साथ चल रही थी, बस सांस तो रुकी गई थी। कमान एक के बाद कमान संदीप जी, नहीं लग रही, नहीं लग रही है। संदीप दूसरी निकाल, पूरा कर, ब्लैक पूरा कर। जब हमारी चाबी संदूक की खुली, उनकी दोनों चाबी खुल गई और क्या टाइमिंग थी बॉस उनकी। थ्री पीसेस असेंबल अ फ्लैग was like the toughest thing that was taking place in the whole challenge. It's not a tight challenge. अभी तक ये first challenge ऐसा हुआ है। We kept pulling and tugging and it was a tough competition, like, you know, we kept pulling. We have a surprise for you. They bought me a birthday cake, but I really couldn't eat it. Thank you.
किस्मत चूती है जिसकी वजह से मैंने बीच में से उसको पकड़ा और ऊपर उठाया। थोड़ा सेकंड का फर्क था, सिर्फ सेकंड का, और हम लोग जीत गए। और जस्ट लाइक मैंने और एंटोनी ने इसको इतनी जोर से हग किया कि अरे ग्यारी क्या हो गया। हमारे हाथ में वो टास्क ऐसे था और हमने उसको ऐसे जाते हुए जब सामने से निकला वो हमारे, थिंक दैट वाज पैथेटिक फीलिंग, पैथेटिक। ऑलराइट फाइटर्स, कैसा लगा ये चैलेंज? बहुत अच्छा। टू से How close was that? Yeah, that was. देखो मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, फाइट में भी ऐसे होता है, एक सेकंड एक फाइट को बदल देती है। So you learn this in your challenges, ठीक है? तुम एक सेकंड से आ रहे, तो मैं उतना disappointed नहीं थी क्योंकि हमने टीम वर्क किया और सबने एफर्ट्स लगाए। But इतना टाइट चैलेंज अभी तक ये फर्स्ट चैलेंज ऐसा हुआ है, and I'm really proud of all of you. You've done really well. Thank you, sir. Thank you, sir. जो इस 50,000 के असली विजेता है वो खुद ही आगे आ जाए। प्रिया एंड एंड्रू, It's so amazing. It's like you've won the world. I was so happy. I could literally start crying over there. उस टाइम तो बड़ा गुस्सा आ रहा था रियली, क्योंकि बहुत मेहनत की थी, सब चीज़ें सही चल रही थी, बस वो एक जो लास्ट की स्टिक थी उसकी वजह से पूरा का पूरा गेम हार गए। All right, so on that note, I shall enjoy my tea with you later at the boot camp. All the best. See you there. Bye. Came back to the boot camp, just freshened up, and before you knew it, Supreet came over to spend some time with us. मैं आप सबको देख रही हूँ और मुझे इन सब चेहरों में एक चेहरा मिसिंग लग रहा है, सिद्धेश का। जैसे वो ऑब्वियसली हाथ मिलाते थे बार बार। ये अभी पूरा ऐसा बांध के रखूंगा टेंशन हाथ, इसलिए तो नहीं जीता वो, इसलिए नहीं जीता उसने हाथ छुपा लिया था ना अपना, एक ही हाथ से खेल रहा था वो। हारने के बाद थोड़ा डिप्रेसिंग मूड से आप थोड़ा सा बाहर निकलोगे, हंसी मजाक करोगे तो अच्छा लग रहा था सुनना। रितिका भी गई है घर से, तो आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले उसने नीरज को टारगेट किया, सिंस रितिका यहाँ पे नहीं है तो उसकी चप्पल पहनी हुई है। आप रितिका की चप्पल पहनी हुई है? आप रितिका की चप्पल पहनी हुई है? साथ में रहते थे तभी झगड़ा किया और अभी दूर हो गए तो देवदास बनते हैं, चप्पल पहनता है उसकी। छोड़ के गई थी मेरे लिए इसलिए। आपका तो साइज भी नहीं है ये। जो सुप्रीत ने बोला वो बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि जब भी मैं जहाँ पे भी जाता हूँ बेड से उतरते उसकी चप्पलें होती हैं, उसकी चप्पल डाल के घूमता ही हूँ मैं पूरे घर में। रितिका, व्हाट अबाउट यू? प्रियंका डे फर्स्ट से लेके अब तक काफी क्लोज हो गया है, काफी चीजें समझते हैं एक दूसरे की, तो अच्छी फ्रेंड बन गई है। एक और चीज़ है जो हमने चैलेंजेस में नोट की है, इनफैक्ट फाइट्स में भी नोट की है, कि जो लोग चैलेंजेस जीतते हैं वही लोग उसके बाद फाइट्स जीत रहे हैं, आपने नोटिस किया? Whoever won the challenge won the fights as well. It didn't really strike my mind at that time. Then I was like, oh yeah, this is actually what has happened. Possibility है, हम पलट सकते हैं इस चीज़ को? Everything is possible. फाइट के लिए आए थे, चैलेंज के लिए नहीं, तो फाइट मैटर करती है ज़्यादा। टीम स्पिरिट है और जो फाइट है वो आपको इंडिविजुअल लड़नी पड़ती है, तो इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। गुड लक फॉर योर नेक्स्ट फाइट, आई शैल सी यू ऑन सैटरडे। ट्यूजडे नाइट, अ ग्रेट एंड टुडे, 50,000 रिचर, नीड टू रियली गेट फोकस्ड फॉर माय फाइट नाउ। It was a morning session and we were all called out. अब्बास सर की ट्रेनिंग थी हमारी, तो अब्बास का तो नाम सुनते ही हमारी गांड बढ़ जाती है, क्योंकि आज तक कभी इतनी स्ट्रेंथ की नहीं है जितनी वो करवाते हैं। Good evening fighters. Hi. Short intense workout, more for reps, okay?
I've kept more strength and endurance in the mind. उसके बाद में लास्ट में एक सरप्राइज फिटनेस चैलेंज है दैट आई विल कम लेटर ऑन. 20 थ्रस्टर्स, 40 माउंटेन क्लाइंबर और 20 रशियन स्विंग. वेरी गुड गर्ल्स, वेरी गुड. कम ऑन आइज़ैक, यू आर द हरिकेन हियर मैन, डिस्ट्रॉय. आपने होल्ड किया इसको यहाँ पे शोल्डर के ऊपर, एल्बो हवा में, आपने स्क्वाट किया डाउन. थोड़ा और पीछे शोल्डर प्रेस करो, थोड़ा और पीछे, जस्ट फोर्स इट फॉरवर्ड डाउन, फोर्स इट फॉरवर्ड. नाइस. 20 बॉक्स जंप, 2 लैप फार्मर्स वॉक फॉर 3 राउंड. Nice, nice, great work, guys, great work. Chand baki hai. Andrew, Neeraj, Isaac, and Priyanka on my right. Krishna, Sandeep, Raj, and Lipika. Opponent wise, the coming fights, Kishan and I, we were number one. Dono ek side se pakdoge. As I said, go. नीरज आप अगर ये साइड से हो, कृष्णा अगर अब ये साइड से हो, ठीक है, आप कृष्णा को अगर वहाँ तक लेके जाते हो अपने साइड पे, आप जीत जाते हो. कृष्णा अगर आप नीरज को उनके साइड लेके जाते हो तो आप जीत जाते हो. उस बीच में जिसके हाथ में ये टायर या जो हड्डी है आ गई वो जीत जाएगा. और प्रिया का आया था साथ में नंबर और मैं उसे घसीटते हुए लेके गई. We have a surprise for you. They bought me a birthday cake, but I really couldn't eat it. Number 1. I ran in. Grab the tire. I really gave him a run for his money. Come on, be strong, boy! We kept pulling and tugging. And it was a tough competition, like, you know, we kept pulling. जब मुझे लगा कि एंड्रू थोड़ा फटीग हो रहा है, थोड़ा सा उसे लग रहा है कि हाँ वीक हो रहा है, तो मैंने फिर पुल करना स्टार्ट किया धीरे धीरे करके. ग्रिप नहीं छोड़ रहा है, साथ में लेके जा, पूरा स्ट्रेंथ से घर लेके जा उसको. कमान फेलियर आने दे, लेके जा. एंड्रू, ये एंड्रू. Number 4. Willpower, dimag ko strong. Use your strength. Leke ja, haath sambhal, leke ja. तो मेरा और प्रिया का आया था साथ में, वो इतना इंटरेस्टिंग था ना कि वो मुझसे इतनी ज़्यादा हैवी है, 9 kg, और मैं उसे घसीटते हुए लेके गई. जब मैंने उसे खींच के और जीता तो मुझे फील हुआ कि फाइट में मेरे को ग्रैपलिंग में इतना मुश्किल नहीं जाने वाला, क्योंकि उसके अंदर उतनी पावर नहीं है जितना मैं यूज़ कर रही थी. उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि केज में भी कैप्टन कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मैं नीचे गिर जाऊँ और मैं अपना बैलेंस खो दूँ और वो मेरे को माउंट में ले ले. नंबर 3 गो. नंबर 2. Let's go! Fight! Whoa! Nice! Come on, fighters! Super!
गाइस कम इनसाइड कम इनसाइड कम इनसाइड। बारी बारी हर फाइटर का पेयर था जो था फाइट के लिए, उन सबका ये टास्क हुआ, उसके बाद ये गेम खत्म हुआ। I saw my mom, I just grabbed her. She held me so tight and she just started crying. Hey, why are you crying? Nice to see you, Anand. So proud of you. Yes, I won 50,000. Huh? No, where is it? Hey, where is it you waiting for? You got to be more aggressive, Andrew. When I saw your snap, you just like that. No. I just pray no one gets hurt. Don't pray like that. Why? It's MMA. Somebody's gonna get hurt. We have a surprise for you. They bought me a birthday cake, but I really couldn't eat it. Because I gotta make weight in like 2 days. My sister, she's so caring, she's so loving. She sent me a card. So all the best. Thank you. God bless you. Really do well. Win it and come. Yeah. Gotta win it and come. Make us proud. Whatever. Whatever. Make us proud. To have a supportive family is one of the biggest blessings a person could ever have, a fighter especially. And win or lose, they're still gonna be there for me. They're always standing by my side. That really helps. आज देखना ये है कि SFL के इस प्लेटफॉर्म पे जीत किसकी होती है। The winner